नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास हादसा हुआ है, दो महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। तो निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा देखने को मिला चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पुरुष और एक दो महिलाओं की मौत की खबर निकलकर सामने आई। अजमेर ब्रांदा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से यह हादसा बताया जा रहा है। मृतकों के शव को निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल फिलहाल पहुंचा दिया। तो आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप देखिए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी चित्तौड़गढ़ से आपको दे रहे हैं, जहां पर अजमेर बांद्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से ये हादसा हुआ है। मृतकों के शव को जो है निम्बाहेड़ा जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में दो महिला और एक पुरुष की मौत की खबर सामने आ रही है। तो सुपर फास्ट ट्रेन के चपेट में आने की वजह से दो महिला एक पुरुष की जान चली गई है। शव को मोर्शी अस्पताल में लाया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी और दुखद खबर, जहां अजमेर बांद्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन से ये भीषण हादसा हुआ। और बड़ी खबर एक और आपको बताते चले, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। तो इस बैठक में गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसका अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। और इस बैठक में एसएसपी डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो है गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसका अधिकारियों से फीडबैक लेने वाले हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण आपको बता दें, क्योंकि लगातार तैयारियों को लेकर के भी क्या इंतजाम है इसकी जो है आज जो फीडबैक लेते हुए वो दिखेंगे। और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी आज शामिल होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जम्मू कश्मीर के उजियान में सुरक्षा से भरी बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी थ्रेट लगातार दिए जा रहे थे, चाहे वो पूंछ हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो होशियार हो, थ्रेट दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर में कई जगह पर आतंकी हमले हो सकते हैं। उसके बाद सर्च अभियान चलाया जा रहा था और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में होने वाली है। और इसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर भी चर्चा की जाएगी। और चूरू से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत की सूचना है। अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हुई है। सुजानगढ़ से ये खबर है। आपको ये भी बता दें कि सड़क हादसे में टक्कर की वजह से दो युवकों की मौत हो गई है। छलाई तलाई गोपालपुरा रोड पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार तीन युवकों को देर रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी और हादसे में दो की मौत हो गई। एक का उपचार अभी भी जारी है। तो सदर थाना पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। आपको बता दें कि झुंगर घाटी के निवासी ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। तो चूरू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी और सदर थाना पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। झुंगर घाटी के निवासी जो है वो दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, जहां आज कोचिंग स्टूडेंट्स का पोस्टमार्टम होगा। जी हां, आज होना है कोचिंग स्टूडेंट के शव का पोस्टमार्टम। बिहार से परिजन के कोटा पहुंचने के बाद ही ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो देर रात एक और कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी और कमरे में फांसी लगा करके जो है खुद को मौत के गले लगा लिया। मृतक जेई तैयारी करने वाला आयुष बिहार का निवासी। आपको बता दें कि महावीर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देर रात एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, कमरे में फांसी लगा करके उसने खुद को मौत के गले लगा दिया और अब जो है आज पोस्टमार्टम होना। तो मृतक जेई की तैयारी कर रहा था। लगातार कोचिंग नगरी में सुसाइड का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
कोचिंग नगरी में एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस व प्रशासन द्वारा स्टूडेंट को तनाव मुक्त करने का दावा किया जा रहा है और कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम दावे और प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और कोचिंग नगरी में स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और ये भी बड़ी खबर कोटा से ही है, जहां पर नाबालिग बालिकाओं के खरीद फरोख्त का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है इस मामले। तो आरोपी सुरेश कुमार बूंदी के कांचा गांव का निवासी है। आपको बता दें कि नशे का इंजेक्शन देकर के बालिकाओं से जो है देह व्यापार कराया जाता था। मामले में अब तक 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और बालिकाओं का 3 से 5 लाख रुपए में ये सौदा तय होता है, क्योंकि ये मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो इसमें बता दें कि यूपी बिहार झारखंड से बालिकाओं से ये देह व्यापार कराया जाता था। उनको बहला फुसलाकर पैर तुलाया जाता है, उसके बाद उनको रखा जाता है, फिर उसके बाद उनके देह व्यापार किया जाता है, उनको बेचा जाता है और उसके बाद गरीब तबके की जो लड़कियां हैं उनका सौदा ज्यादा किया जाता है। अब तक 3 बालिकाओं को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया गया था। चाइल्ड वेलफेयर ने इस बात की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। बताया था कि 2 जो बच्चियां छुड़ाई गई हैं इसके पहले, उन्होंने बताया है। अब जांच पड़ताल की जा रही है और वहां पर अब ये मसला फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने एक और आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 युवकों पर तलवार से हमला किया गया है। कालू माली और सुशील माली पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें कि 5 लोगों ने तलवार से हमला किया है। कालू और सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इलाज के लिए उनको जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। कालू और मालू के ऊपर क्यों ये तलवार से हमला किया गया ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बदमाशों की तलाश में पुलिस प्रशासन तो जुट गई है। मांडल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात को चाकू से हमला करना क्यों किया गया है दोनों पे? फिलहाल दोनों जख्मी है, इलाज चल रहा है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं ये वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं वो दूसरी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो जयपुर में चुनाव नतीजों पर समीक्षा के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल नहीं पहुंचे, देखिए रिपोर्ट। क्या है किरोड़ी लाल के मौन के पीछे की मंशा? नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा। आखिर पत्ते क्यों नहीं खोल रहे किरोड़ी लाल? बिन कहे बहुत कुछ कहती है ये खामोशी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खामोश है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को जारी किए हुए कई दिन बीत चुके हैं, चुनाव नतीजों पर मंथन का दौर जारी है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कहीं नहीं है। वो ना सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, न ऑफिस जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव नतीजों पर समीक्षा के लिए जिस बैठक को आयोजित किया गया उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। इस बाबत जब उनसे सवाल किया गया तो होठों पर उंगली रखते दिखाई दिए। ये तस्वीरें अपने आप में वैसे तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। जयपुर में जिस समीक्षा बैठक में किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे उसमें उन्हें टोंक सवाई माधोपुर सीट का फीडबैक देना था। उनकी गैर मौजूदगी के चलते बीजेपी को टोंक सवाई माधोपुर का फीडबैक नहीं मिला। पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे वाले बयान पर सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में उनका समीक्षा बैठक में ना पहुंचना लोगों को खटक रहा है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा अब सचिवालय में ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं और विभाग की फाइल भी नहीं देख रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री को मिलने वाली सरकारी सुविधा छोड़ दी है, जिससे राजस्थान में सियासत पूरी तरह से गर्म है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की हार हुई तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। अगर कन्हैया लाल हारा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल नादे में क्या क्या जा रहा है, उसी दिन मंत्री पद छोड़ दूंगा। अब 4 जून को जब नतीजे आए तो दौसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा हार गए, जिसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने
एक्स हैंडल पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, लिखते हुए ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन विरोधी भी उन पर ट्वीट करके हमला कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन्हें समझाने की बात करते नजर आए थे। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे या नहीं, ये वक्त तय करेगा, लेकिन उनके इस खामोशी ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सिरोही से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि किरोड़ी के बैठक में नहीं शामिल होने पर सीपी जोशी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल निजी कारणों की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा निजी कारणों की वजह से नहीं आ पाए हैं। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुना देते हैं। सीपी जोशी का रिएक्शन किरोड़ी लाल मीणा के आने वो कोई व्यक्तिगत कारण से नहीं आ पाए, कुछ लोग बाहर थे, बाकी सभी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि जो अपेक्षित थे वो सब लोग उस बैठक में पहुंचे। और अब बात करते हैं जयपुर से आ रही बड़ी खबर के बारे में, जहां आज व्यावर दौरे पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहेंगे। सुबह 11 बजे जयपुर से व्यावर के लिए रवाना होंगे। व्यावर में आशापुरा माता धाम में दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि आशापुरा माता धाम में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, सामूहिक युवा सम्मेलन में शिरकत करेंगे और दोपहर 2 बजे ब्यावर से जयपुर लौटने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो आज ब्यावर दौरे पर सीएम भजन लाल रहने वाले हैं, कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि ब्यावर में आशापुरा माता धाम में वो दर्शन करेंगे, आशापुरा माता धाम में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करने के लिए और जनसभा को संबोधित करने के लिए ही आज व्यापार दौरे पर जयपुर से जा रहे हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर से व्यापार से जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ सूबे की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन अफसोस सरकार को हर विभाग का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो चंद जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पानी फेरने पर आमादा है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अठारह फरवरी को हुए थे 15 दिन में जांच के आदेश। 119 दिन बाद आई पदमचंद के घोटाले की याद। जांच शुरू होते ही घोटालों की परतें लगी खुलने। रडार पर पूर्व मंत्री सहित कई अफसर शाह। ठेकेदार के इशारे पर हुआ जमकर भ्रष्टाचार। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें पीएचईडी के लचर रवैये की पोल खोलने के लिए काफी है। 18 फरवरी को 15 दिन में जांच के आदेश हुए, लेकिन 119 दिन बाद याद आई उस पदमचंद जैन और महेश मित्तल के घोटालों की याद, जो एसीबी, ईडी और सीबीआई के रडार पर है। जी हां, पीएचईडी को 119 दिन बाद पदमचंद जैन के घोटाले की जाँच की याद आई है। 18 फरवरी को जल जीवन मिशन एमडी बचनेश कुमार अग्रवाल ने क्रॉस रीजन से जांच के आदेश निकाले थे। आदेश में दो टूक शब्दों में साफ निर्देश था, कम से कम 10% कार्यों की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट दें। लेकिन 4 महीने बाद भी ये जांच नहीं हुई, यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसी सुस्त चाल तो कछुए की भी नहीं होती। बहरहाल जब एसीबी, सीबीआई, ईडी की मुश्तैदी बढ़ी और सीएम मंत्री के निर्देश दिए, तब जाकर जांच शुरू हुई। लेकिन जलदाय मंत्री आश्वस्त करते हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखो, एसीबी ने या ईडी ने या सीबीआई में जो भी दोषी अधिकारी उनको सजा मिलनी चाहिए, और हम भी हमारे विभाग के स्तर पर जाँच करें, विभाग के स्तर पर हम काम की समीक्षा करें, जहाँ जहाँ जो भी हमारे संज्ञान में जा रहा है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। और आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी कोई भी गलती करा उसको कोई भी हम बख्शने के लिए तैयार नहीं। 900 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच के लिए पीएचईडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर फील्ड में उतरने लगे। जांच शुरू होते हुए घोटालों की परतें खुलने लगी। पदमचंद जैन की फर्म श्रीश्याम ट्यूबवेल के गड़बड़ियों की परतें उघड़ने लगी।
दौसा के गगवाना में पेयजल परियोजना में पहली नजर में बड़ी खामियां मिली हैं। फर्म को 50% भुगतान किए गए लेकिन मौके से जांच टीम को पाइप नदारद मिले। वहीं अलवर के थाना गाजी में भी पदमचंद जैन की भारी गड़बड़ियों की आशंका है। बड़ा घोटाला तो ये कि कोई भी चीज डाले नहीं, उसका पेमेंट उठा ले, मेजरमेंट बुक के अंदर भुगतान कर दिया, मौके पे जाए किसी के लिए नहीं मिले, यही सबसे बड़ा घोटाला। वो सिर्फ क्वालिटी जो आनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं डाली, जो प्रेशर का जो पाइप जो होना चाहिए वो नहीं आया, ये सारी चीजें घोटाले की तो अनेक रूप है। जहाँ जाओगे वहाँ 1000 आइटम है, कौन से आइटम में क्या गड़बड़ करते हो तो उस सब जांच करेंगे तो सब तो लगता है। आपको बताते चलें कि शुक्रवार को ही भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया। इससे पहले उसके बेटे पीयूष जैन को भी भ्रष्टाचार के पैसों को ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कई पूर्व मंत्री और अफसर शाह रडार पर हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और इधर सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर यह आ रही है कि दो गाड़ियों में टक्कर को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। तो दो पक्षों के बीच जमकर के मारपीट हुई है। एक की मौत की खबर है। आपको बता दें कि शांति कुंज पार्क के पास पिकअप और कार में ये टक्कर हुई थी। मारपीट में गुजरात से घूमने 3 कार सवार आए थे, वो घायल बताए जा रहे हैं और तीनों घायलों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया है। गुजरात के बड़नगर के विपुल ठाकुर की मौत हो गई है। सूचना पर शहर पुलिस पहुंच गई, दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। तो गाड़ियों के टक्कर में, दो गाड़ियों के टक्कर को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर। और महाराष्ट्र के नागपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कार ने 5 लोगों को टक्कर मारी है और नाबालिग ने काले रंग की कार से 5 लोगों को रौंदा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र से इस तरह से हिट एंड रन केस सामने निकल कर आया, जहां पर 2 लोगों की हालत इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गंभीर बताई जा रही है, बेहद ही गंभीर। एक जहां काले रंग की गाड़ी आती है, 5 लोगों को रौंद के चली जाती है। हालांकि जहां पर गाड़ियां खड़ी हैं वो ट्रैफिक एरिया लगभग लग रहा है, क्योंकि तमाम गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, तमाम लोग खड़े हैं। सड़क किनारे की ये तस्वीर है जहां पर काले रंग की गाड़ी आती है और अचानक से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। हिट एंड रन केस का ये मसला आप देख रहे हैं। कार ने 5 लोगों को टक्कर मारी है महाराष्ट्र के नागपुर से, ये बड़ी खबर है। पूरी घटना सीसीटीवी में क्या। और आज देश भर में गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी, संगम नगरी, प्रयागराज, हरिद्वार समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और ये मान्यता है कि इस विशेष दिन पर माँ गंगा की उपासना करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा दशहरा और वाराणसी समेत प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी ही होगी, भीड़ लगी होगी। ये तस्वीरें आपको चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पर भी तीर्थ स्थल हैं, इसी तरह जो श्रद्धालुओं का भीड़ है, श्रद्धालुओं की वो उमड़ी है, क्योंकि गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। अपने अपने घरों से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है गंगा किनारे। और इस बार प्रदेश में मॉनसून 22 से 25 जून के बीच एंट्री लेगा, लोगों को जलती चुभती गर्मी से निजात मिलेगी। लेकिन एक सच ये भी है कि बरसात के साथ मौसमी बीमारियां भी आती हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए रिपोर्ट। मां
मानसून की जल्द एंट्री को देखते हुए प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक इंतजाम शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा और आवश्यक कार्य राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी फंड में उपलब्ध राशि के माध्यम से कराए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित निदेशक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के मुताबिक अस्पतालों में सुरक्षात्मक उपाय अपनाने, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, आपातकालीन स्थितियों से निपटने सहित विभिन्न तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश निचले स्तर पर दिए गए हैं। मानसून के कारण होने वाली आपदाएं, विशेषकर बाढ़ आना और बारिश या आंधी के कारण होने वाले बिल्डिंग नुकसान या किसी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना, रोकथाम की और आप टॉप